102, 206, 312, come on, come on. सलमान है, दबंग हो रहा है तू यहाँ, हैं? सुपरस्टार बनने की ताक में है बिल्कुल ही। मैडम मैंने सुना है कि सलमान खान ने एक फिल्म को ना कह दिया मैडम जो उसे ऑफर हुई थी, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ मैडम, मैं बनूंगा कल का सलमान खान। काम पे ध्यान दे लो, सलमान गिरी में कुछ ना रखा है, कुछ ना मिलेगा उससे। अरे मैडम सोचिए ना, अगर मैं कल का सलमान खान बन गया तो हमारी चौकी का कितना नाम रोशन होगा और आपका भी मैडम। लोग कहेंगे देखो वो जा रही है चंद्रमुखी चौटाला जिसके रैप्टे खा खा के गुलगुले सलमान खान बन गया। यार दिस इज अ गुड आइडिया यार। आई टोल्ड यू नॉट बैड यार। और तू हैं बुढ़ापे की कांपती लाठी, इजिप्ट की लास्ट मम्मी हैं तू, इसका पर्सनल ट्रेनर हो रहा है तू? नॉट एट ऑल, कैरी ऑन। अबे हिंदी तो फूट ना रही है मुंह से बराबर है, अंग्रेजी में बिल्कुल प्रकांड पंडित हो रहा है। साले अंग्रेज सुनेंगे तो आवारा ब्रिज से कूद मरेंगे। काम पे लगो यहाँ धर्मेंद्र और सलमान। इट्स ओके, चला तो जाना रहा है कांपती हड्डियों में, जो है मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, पता ही नहीं चला। आइए आइए। मैडम मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे दिलो दिमाग में उदासी छा गई है दही जमा के। पुत्र तुम क्यों दही जमाते हो हैं? जब दही जमाने से उदासी छा जाती है, चाची जी ने कहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर अंकल कहा तो। अंकल होगा तेरा अंकल। हाँ हाँ भाई, इसे अंकल ना कहो, ये तो अभी अभी जस्ट बोर्न है, बच्चा है यो। ठूंस ले अपने मुंह में जो है अंगूठा, अभी पैदा हुआ है। पैदा पैदा नहीं मैडम, मैदा। ओहो यार तुम तो बहुत ही कंफ्यूज कैलेंडर टाइप के आदमी हो यार। पहले तुम दही जमाने की बात कर रहे हो, अब तुम मैदा मैदा कर रहे हो। देखो यार जो भी बात है वो हमारी मैडम के जुल्फों के साए में, मेरा मतलब है मैडम के अखियों के झरोकों में, मेरा मतलब है मैडम के कानों तक पहुंचा दो। दो नहीं, दो नहीं, एक। मैडम एक शख्स है जो मुझे ना बहुत परेशान कर रहा है दही जमा के। खुल के बोल ले यार, मैटर के बिल्कुल ही एनिग्मा में जो है बिल्कुल बात हो रही है यार, पजलिंग। मैटर में ये है मैडम कि मेरा नाम है मौसम मनचंदा दही जमा के, मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मैदा। भैया तो मैदा की सुसरी की मठियां बनानी है या गुजिया सेकनी है कि जो है समोसे तल दूं मैं मैदा के? मैडम आप मेरी बात तो सुनिए मैडम, ये मैदा जो है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो थोड़ी कंफ्यूज टाइप की लड़की है, तो आजकल ना उसे एक लड़का रोज फोन करता है और कहता है कि मैदा मौसम बेमान है। तो मौसम मेरा नाम है ना, तो वो क्या समझती है कि मौसम यानी कि मैं बेमान हूँ दही जमा के? तो हमसे क्या चाह रहा है, हम मैदा से फोन करके बोले हेलो मैदा सूजी दिस साइड, और तुम्हारा जो है मौसम बहुत वेल कलेक्टेड आदमी है, गुड मैन है बिल्कुल ही, बांका छोरा नौजवान। नहीं मैडम मैं इतना चाहता हूँ कि आप मैदा को यहाँ पे बुलाए और उसे समझाएं कि ऐसे फोन कॉल अटेंड ना करे, और अगर करती भी है तो उस पर विश्वास ना करे, और वो लड़के का पता जरूर लगाइए। ओके यस सर, जैसा आपका आर्डर हो। और कोई आदेश सर, कोई हुकुम मेरे आका? बुला अपनी सुसरी गर्लफ्रेंड मैदा ने। सॉरी
मैदा का होल बीट ब्रेड हो रहा है कतई। मैदा मैडम दही जमा के। ओहो तो जो है मैदा। ओहो सोनियो मनमोनियो मलाई दे डूनियो एकदम गोरी गोरी जिवें मैदे दा परांठा। कैरी ऑन। अरे मैदा डार्लिंग मैडम से हेलो कहो। नमस्कार आदाब। हाय सॉरी कंफ्यूज हूँ। सी नहीं ही। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। अरे आप इसे ही कैसे कह रही हैं, ये तो शी है ना। अबे यार मैं पुरलिंग स्त्रीलिंग वाला ही और सी ना कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कंफ्यूज सी ना है कंफ्यूज ही है। ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ भाई मैदा कोई छोरा फोन कर रहा है दोस्त ने। छोरा यानी कि लड़का। यानी कि बॉय भी कहते हैं ना उसे, मतलब बाप का नौजवान। सॉरी कंफ्यूज सी हूँ। हाँ हाँ अब आप जरा आगे बढ़ेंगे। आपको कोई नौजवान छोरा बाका लड़का फोन करता है कि नहीं? करता है ना मौसम। सॉरी कंफ्यूज सी हूँ। अबे कंफ्यूज सी ना है, फ्यूज उड़ा हुआ थारा इससे पहले कि मैं यहाँ सॉकेट मंगवा के इलेक्ट्रिक साक दूं तेने। जल्दी बता छोरा फोन कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा? करता है। हाँ और फोन करके कह रहा है कि ये मौसम बेईमान है। कहता है। और मौसम तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेईमान है, करेक्ट? हाँ ऐसा लगता है, मतलब मैं सोचती हूँ, मतलब मुझे फील होता है, ऐसा महसूस होता है। आई मीन आई नो सॉरी कंफ्यूज सी हूँ। मत जलाओ कंफ्यूजन की ट्यूबलाइट मैडम, अब तो हो गई है। ओके बाय। ओह सलमान बेटा अगर दो सेकंड के अंदर अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया तो तीसरे सेकंड में चौथा कर दूंगी, फिर पहुंचता रहियो नाक अपनी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही वांटेड दबंग हो जाओ के दंग आइडिया आ रहा है। तो मुन्नी को बदनाम करवाएं पहले हैं, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर ये मौसम अपना नाम बदल के कुछ और रख ले तो फिर वो लड़का इसकी आइटम को, मेरा मतलब है इसकी छावी को, मेरा मतलब है इसकी गर्लफ्रेंड को कंफ्यूज नहीं कर पाएगा ना। आई, 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 आई। लेकिन मैं अपना नाम क्या रखूं दही जमा के? मैं दसदा है तू रख पिंड दा शेरा। पिंड दा शरारा। शरारा पंजाबी फिल्मों के नाम ना रखने हैं यहाँ, इंसानी नाम रखना है। कैरी ऑन। तू बता मैदा अपने बॉयफ्रेंड को किस नाम से पुकारना पसंद करेगी तू? नाम यानी कि नेम, यानी कि नामकरण। नामकरण तो पंडित रखता है ना, वो नाम जब लेके आते तो बुक स्टॉल पे बुक मिलती है उसमें बहुत सारे नाम होते हैं। आप रहन रहे कोई बात नहीं, इट्स अ टफ जॉब फॉर यू, रहन दे प्लीज, कोई जरूरत नहीं। तू रख ले जो दिल में आए वो नाम रख ले। दिल? मैडम ये दिल बड़ा रोमांटिक सा नाम है, ये मुझे पसंद है दही जमा के। प्रॉब्लम सॉल्व, सबको जाके जो है बता दे, अनाउंस करवा दे कि थारा नाम दिल है, तेने इसी नाम से पुकारे, इसी नाम पे यू विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच मैडम दही जमा के। दही फेंट के मैं यहाँ मट्ठा बना दूंगी, बर्तन तोड़ दूंगी दही का, मैं निकलो यहाँ से, दोबारा ना आना चौकी में। ओके ओके मौसम क्या नाम है तुम्हारा? दिल, मैं याद रखूंगी। दिल दिल यानी कि हार्ट है ना। सुनो सुनो तो सही, मैं क्या कह रही हूँ, माय हार्ट इज बीटिंग राइट नाउ। व्हाट इज दिस? मैडम उम्र हो गई, अब क्या बोलूं। Oh!
हेलो हेलो, गोपीनाथ गंडोत्रा बोल रहे हैं आप? यस। अरे हेलो, मैं टिमरकन टोला से बोल रहा हूँ। मेरे घर में चार चोर घुसा है, प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। टिमरकन टोला के सामने वो तुड़ियागंज जो है ना, वहां से जल्दी आइए, प्लीज हमें बचाइए, प्लीज जल्दी आइए। ओह सॉरी, दिस इज नॉट पुलिस स्टेशन, दिस इज ए जंबो सर्कस। This is not police station. It is Jumbo Circus. और तू कौन है सर्कस का? चल कंगारू बन। ही नहीं, रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ ना ले, जाके झाड़ू लगा, पूरी चौकी साफ कर, हंसते हंसते स्माइलिंग फेस के संग चल निकल। भूल गया सो? नहीं, बात करें हमिंग, मौसम मनचंदा इज अगेन कमिंग। ओके बाय। मैडम 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 मैडम। अरे यार तुम फिर आ गए, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे काम धंधा तो उस लड़के के पास नहीं जो बार बार मेरी मैदा को फोन करके परेशान कराए दही जमा के। फिर से फोन करा छोरे ने? हाँ मैडम। ए मैदा डार्लिंग, बताओ इस बार तुम्हें क्या कहा उसने? आपकी बार यानी इस बार यानी इस टाइम यानी इस मौके पे, सॉरी कंफ्यूज सी हूँ। तू रहन दे, माफ करा मैं, रहन दे तू बोल यार। हाँ मैडम मैं बताता हूँ आपको। मैडम आपने मेरा नाम क्या रखा था? दिल, बराबर है? और आपने कहा था कि सबको बता दो कि तुम्हारा नाम अब से दिल है, तो मैंने सबको बता दिया, सब लोग मुझे दिल नाम से पुकारने भी लगे। लेकिन मैडम ये बात उस लड़के तक पहुँच गई और वो अब बार बार मैदा को फोन करा और बता रहा है कि मैदा दिल तो पागल है, मैदा दिल तो पागल है, और ये कंफ्यूज सी मुझे पागल समझ रही है दही जमा के। ऐसा करो जरा पता लगाओ कि फोन कहाँ से कर रहा है ये लौंडा। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, वो नंबर मेरे पास है जहाँ से वो मैदा को फोन कर रहा है बार बार, लेकिन पलट के जब भी मैं उससे फोन करता हूँ तो वो फोन एंगेज आता है दही जमा के। हुई 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 हुई। तब तो मैडम ये नंबर जरूर किसी पीसीओ का है। मैडम कई साल पहले एक लड़की से मैंने उसका नंबर लिया था, मतलब उसने अपना नंबर मुझे दिया था, और मैं काफी दिनों तक खुशी खुशी फोन करता रहा, लेकिन कभी फोन लगा नहीं मैडम, हमेशा फोन एंगेज आता था, बिजी आता था। बाद में पता चला कि वो एक पीसीओ का नंबर था। पीसीओ यानी फोन बूथ। जिले के लाइनमैन को बुलवाओ। खड़े ही रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, पूरा बताएंगे, सारा बताएंगे, फुल बताएंगे। जितना पूछेंगी सिर्फ उतना बताएंगे, उसके अलावा कुछ ना बताएंगे, एकदम ना बताएंगे, बिल्कुल ना बताएंगे, जरा सा ना बताएंगे। ऐसा है यो, नंबर देख और बता कि किस फोन बूथ का नंबर है यो। इव या तो यो नंबर आप बताएंगे या तो आप गोली खाएंगे। गोली ना खाएंगे, बिल्कुल ना खाएंगे, इतनी सी भी ना खाएंगे, जरा सी भी ना खाएंगे, बिल्कुल ना खाएंगे। मैडम आप गोली मार ही दीजिए, मुझे नहीं लगता ये कुछ भी बताएंगे। मैडम आप गोली क्यों चलाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि ये नंबर जो है टिमरकन टोला के पास एक सुनसान जगह है, वहां पे एक पीसीओ है उसका है। वेरी गुड, निकल अभी जाएंगे, फौरन जाएंगे, एकदम जाएंगे, तुरंत जाएंगे।
मम्मी जी हुण की करना चाहिदा है? हुण हुण द बंग द बंग द बंग द तू एक काम कर, बांद्रा चला जा हैं। तू खड़ा हो जा सलमान के घर के नीचे, एक टेंट बना ले वहां, माला वाला लेके बरमाला। हुण की करेंगे हैं? तू बता क्या करेंगे? नहीं नंबर मिल गया, जगह का पता लग गया है कि कौन से फोन बूथ का है पता, तो इब क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? वेल भूत है। भूत कहाँ है? हम भूत पकड़ने आए यहाँ। नहीं, फोन बूथ पिस्सियों है ये। हाँ हाँ वो तो है। अरे कोई आ रहा है मैडम यहाँ? तुम गुंडा लग रहा है मैडम। यही होगा। Follow him. मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो। अबे साले लड़कियों को फोन करता है तू? मैं लड़कियों को फोन नहीं करता हूँ। ओहो तो क्या भाभियों को करता है? कैरी ऑन। किसको फोन कर रहा था यहाँ? मैं अपनी बीबी को फोन कर रहा था, मेरी मोबाइल की बैटरी उतर गई थी। आपको विश्वास नहीं होता है तो रिटेल करके देख सकते। चल निकल। ये अरे मैडम अगर ये गुनहगार नहीं है तो आप क्या करें? वेट करेंगे और क्या करेगा यहाँ? चल। अरे मैडम कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ये तो लड़की है, क्या है? और गोपी तेरे पास कुछ चने वने हैं क्या? चने वने तो नहीं है, कुछ पीना है तो बोल। पियूं। हेलो, दिल तो पागल है, सुना तुमने? दिल तो पागल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.